आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप नेता भी हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके लिए अलग कानून होगा। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है, इसलिए हम आपकी याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही कि क्या हम इस तरह के कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं जो कि अपने आप में एक नई कैटेगरी बना देंगे कि आम जनता के लिए कानून अलग है और नेताओं के लिए कानून अलग है। और इसका जो निष्कर्ष और निचोड़ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस याचिका को निरस्त किया, रद्द किया, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जो बात विपक्षी दल, ये सारे प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी नेता चीख चीख के कहते हैं उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि सीबीआई, ईडी, जो भी जांच एजेंसी है वो अपना काम न्यायसंगत तरीके से, कानूनी तरीके से, संविधान के तहत कर रही है।